मैंने पढ़ लिख कर आज तक कुछ नहीं उखाड़ा, तो आजकल के बच्चे क्या उखाड़ेंगे। ख्वारिया घर आ रहे हैं यार, सुबह सुबह आपके भाई को उठा दिया, लेकिन पहले नाश्ता करूं फिर बताता हूं आपको तफसील से। नाश्ता भी नहीं किया आपके भाई ने, जुल्म हो रहा है यार। कुछ भी कहो ना, पठान का ऐसा ढाबा भी हो ना, उसका नाश्ता 5-स्टार होटल से भी प्यारा है। 2 से 3 दिन से कर रहा हूँ नाश्ता, इज गुड VIP। अस्सलामु अलैकुम, आई होप कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और मजे में होंगे। वेलकम हो गया जी नदर ब्लॉग के अंदर। सीन्स कुछ ऐसे हैं कि भाई एक हफ्ते से आपकी भाई की ठीक ठाक ख्वारी हो रही है, वो इसलिए क्योंकि छोटे बहन भाई है उसके, भाई पेपर से बोर्ड के, हैदराबाद के एक कोने से दूसरे कोने तक का सफर आपका भाई एक हफ्ते से कर रहा है। हालत बहुत खराब है भाई, नींदे वींदे बिगड़ी पड़ी है, सारा सीन पता नहीं क्या करेंगे। पढ़ लिख के हमने कुछ नहीं उखाड़ा, वापस गाड़ी में घुस रही है, पता नहीं क्या उखाड़ेंगे भाई। खैर जरा पेपर ऊपर हो जाए भाई, 9:30 बज रहे हैं, तकरीबन 12 से 1 बजे आपका भाई फ्री होगा। सीन्स क्या हो गया भाई आपको दिखाएगा, जब तक जिसने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करे, बेल आइकन दबाए। भाई आप भाई सपोर्ट नहीं करते हो यार, क्या मसला है यार, कोई मसला वसला है क्या, बता दो यार मेरे को, मिलते हैं हमसे, टेंशन नहीं लेनी है भाई। 3 बजे सीन्स के साथ, और ये नमूना है भाई, अभी ये मेरे को जलील करवा रहा है, जल्दी साफ करके दे दो यार, तो जाऊं शोरूम भी नहीं गया हूं, इसको जरा साफ करवाए ना, साफ गाड़ी में घूमने का मजा ही अलग है। हो गई भाई तैयार, एक वो अंदर खड़ी होगी, और मैं और अमजद भाई कहाँ जा रहे हैं? भाई अमजद भाई कहाँ जा रहे हैं भाई? मैं नहीं बताऊंगा। फॉर्चुनर देखने जा रहे हैं। फॉर्चुनर तो भाई बहाना है खाली। खैर फॉर्चुनर भी देखेंगे, लेकिन भाई आज कारी भाई की तरफ से छोटा सा ट्रीट है, जाके खाई लेते हैं एक दिन भाई। हाँ, अमजद भाई ने दिया था मैकडोनल्ड्स पे, आज KFC बारी मेरी भी आने वाली है, टेंशन नहीं लेनी अभी। चलें, पेट्रोल लेनी है? गर्मी बहुत है यार हैदराबाद में, बड़ी गर्मी है भाई। अच्छा ये बॉय आ गया, इसका बिल्कुल भी दिल नहीं है ट्रीट देने का, हम जबरदस्ती में और अमजद भाई ले रहे हैं, इससे जबरदस्ती हमने इसके ऊपर टपकाई है, कभी तो इसके जेब से कुछ निकलेगा। गरीब लोग जब अच्छी जगह आ जाए। देख रहे हो दोनों के स्नैप्स। तो सीन्स कुछ ऐसे हैं भाई कि आपके भाई ने ली है नई बाइक R1, और इसमें पुरानी बाइक मतलब मेरे लिए नई है वैसे, पुरानी 2009 का मॉडल है, और बाइक लो उसको हाथ पे सेट कराना लाजमी है, तो इसमें अभी थोड़ा आयल वायल, इसके रेडिएटर का पानी वानी चेंज करना है, बैटरी थोड़ी डाउन है वो सेट करानी है। पहले जाते हैं वहाँ और फिर इसके बारे में तफसील से बताते हैं। कारी बॉय साथ है, वो जाएगा 125 पे आपका भाई, इस पे जाएगा। साउंड चेक करो इसका, जो शॉप है ना ये आपके भाई ने चेंज करी है, जो पहले वाला बंदा था ना वो टोपी बंदा था यार, वो सही काम नहीं करता था, ये बंदा थोड़ा चेक करते हैं कि भाई क्या करते हैं, इसका ऑयल चेंज कराना है, रेडिएटर का जो पानी है वो चेंज कराना है, क्योंकि भाई मैं चला रहा हूँ तो मेरे हाथ पे इसको सेट होना चाहिए भाई। ओके, इसके बाकी इसमें शशके लगेंगे ये गाड़ी में, इसमें अगर पास हो गई ना ये, इससे इसको थोड़ा सा जो ऊपर ऊपर से ना सेट कराए भाई उस्ताद, वो लगा हुआ है, देखते हैं भाई ये उस्ताद काम का है या नहीं है। बाइक छोड़ दिए भाई, इसका काम थोड़ा सा ना हार्ड होता है, तो वो कल होगा इसका काम, मैं और कारी बॉय आएंगे कल, फिर मिलते हैं, ये जब तैयार होगी फिर बताएंगे इसके सीन्स। द नेक्स्ट डे, तो सीन्स कुछ ऐसे भाई कि गर्मी बहुत है, अभी नमाज पढ़ के आपके भाई, और बाइक रेडी हो गई है भाई, मिस्त्री के पास आपका बाइक गया था, मेरे बाकी काम तो रेडिएटर वाला काम कर दिया था, जो मेरे सामने किया वो पहले नंबर पे किया उसने भाई, आयल डाला है उसमें बिल्कुल नवा आयल, आयल बहुत खराब हो रहा था, दूसरे नंबर उसमें डाली है भाई बैटरी जो भी पिछले बाइक भी मैंने ली थी उसमें भी खराब थी, ये भी ली, दोनों सेम बंदे से लिए ना, टोपी बंदा है उसने भाई, बैटरी जब फिर खराब थी, बैटरी नहीं डाली है भाई, अब बाइक जरा लेके आते हैं साफ सुथरी करके, और फिर नजारे आपको दिखाते हैं। कारी बॉय लेकर गया, जरा आ जाए वही से हाथ लगवाए इसको, चमका के दिखाएंगे आपको। है जी द न्यू लालो इज़ हेयर, वैसे इस बाइक का नाम ना हम लालो नहीं रखेंगे, इसके लिए हमने बहुत ही प्यारा नाम सोचा हुआ है, वो इस पे रखेंगे, ये लालो नहीं रखेंगे, लालो वो थी वो चली गई। तो भाई बाइक पहुंच गई है और साफ सुथरी हो गई है भाई, बॉय भी आ गया अंदर बैठा हुआ है, तो अब बताते हैं भाई इसके बारे में। ये है भाई जान 2009 का मॉडल R1, यामा R1, और ये है 1000 cc। तो कलर है ना वो जो अपनी दूसरी वाली लालो है उससे मिलता जुलता है, कलर बड़ा ही प्यारा है, और इसके रिम का कलर आप देख सकते हो गोल्डन कलर है, लेकिन ये जो रिम का कलर है और बॉडी का कलर, इसको हम करेंगे चेंज, वो कभी दिखाएंगे नेक्स्ट व्लॉग में। फिलहाल इसके बारे में बताते हैं भाई, 1000 cc है, जो दूसरी थी वो 400 cc थी, 400 से 1000 तक का सफ़र बड़ा मुश्किल था, लेकिन फिर भी हमने कर लिया, वो इस बंदे की जिद थी, ये जो बैठा हुआ है ना सामने।
खैर वैसे ये लेने के लिए हमने बड़ा सोचा भाई, मैंने और कारी ने, कारी अपने सोचा इसके लिए नहीं सोचा? नहीं बहुत पापड़े झेलिए भाई हमने इसके लिए, बहुत सोचने के बाद आखिर ले लिए। क्या सोचना भाई, जब शौक किया तो क्या सोचना। एक मेन चीज इसकी बताऊं यार, पीछे वाले जो इसके साइलेंसर है ना, आहा, ये ऑटो मार्केट लगे हुए, लेकिन इसका साउंड थोड़ा छोटा है। इसको भी सोचते हैं कि करा देंगे भाई चेंज। तो फिलहाल इसकी जरा राइड तो लिए, एक और राइड लेते हैं, पेट्रोल वेट्रोल नहीं है वो भरवाते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। इतनी बड़ी बाइक है तो भाई खुराक भी तो मांगती है, जरा इसकी खुराक दे दें फिर इसको और चलाते हैं थोड़ी देर। राइड तो ले लिए भाई, लेकिन इससे पंगा ना सही नहीं है भाई। बालू से आपको लग रहा होगा कि भाई स्पीड कितनी है, इसको हम भाई कंट्रोल मुश्किल से कर पा रहे हैं, क्योंकि भाई 1000 CC है, 400 से 1000 पे जाना थोड़ा टाइम लगेगा मैं इसको संभालने के लिए। अभी पंगा लेना इससे फजूल है। तो अभी ज़रा चाय वाय पीते हैं और वो एक नमूना आ रहा है जिससे हमने बाइक लिया, उसको थोड़ा पेमेंट वेमेंट देते हैं और फिर सीन्स दिखाएंगे, ज़रा नमूने से भी मिलाएंगे पहले। चाय आ गई है, ज़रा सर का दर्द सही करे, नमूना पहुँचा नहीं है, पहुँचे उससे फिर मुलाकात करते हैं। ये भाई फैजान भाई आ गए और ये तो इन्ने आ गया। इस बाइक की बाइक है, इससे पहले हमने लालो भी ली थी और ये दूसरी बाइक भी ली है। बंदे ने ना दो दफा टोपी कराई, ये बैटरी क्यों खराब नहीं? गलती यार तेरी बाइक में, मसला क्या है? अरे भाई देखो, चीज है, मशीनरी है, चलती है, यूज होती है, खत्म होती है। गजब टोपी आ जाती है, लेकिन बैटरी खत्म उस टाइम की होती है जब मेरे हाथ से चढ़ती है ना, खत्म हो जाती है सब चीजें इसकी। क्या बोले यार, बरल भाई बंदा ग्रेट है यार। अगर किसी ने प्रमोशन करो नहीं करो दे, वैसे देगा ना, देगा ना, देगा ना। बात नहीं करेंगे, बाइक लेनी है ना भाई, भाई से रब्ता करना, ये मेरे से करना, कमीशन वमीशन ऐसे थोड़ी इसको। बहरहाल भाई अभी थोड़ा हिसाब किताब है हमारा, वो करेंगे भाई और फिर मिलते हैं आपसे ना इंशाल्लाह, ब्रेक के बाद, ब्रेक के बाद, ब्रेक के बाद इंशाल्लाह। जमने क्या है जमने माल सारा छुपा दिया, कान छुपा दिया, कान छुपा दिया, माल दिया सारा छुपा दिया भाई। किस रास्ते से जाएगा, रास्ता बताओ, वापस लूटे देखो डर गई। कौन से रास्ते से जाते हैं? रास्ता तो कभी रखा ही नहीं है ना, आते एक रास्ते से जाते हैं, रास्ते कहीं नहीं जाते। यकीन करो, ये जो अभी हमने बाइक लिए ना, ये ऐसी बाइक है कि ये बोलती है कि भाई बस मुझे रोड वो और मुझे छोड़ो भाई, रेंज दो और बस गुम हो जाऊं, ऐसी बाइक है। और ये जो हमारे रोड है ना, इस पे लेके आएंगे यार, इस पे भगाएंगे। जो दूसरी बाइक थी उस पे हमने ज्यादा खर्चा वर्चा नहीं किया, वो इस काबिल भी नहीं थी क्योंकि भाई वो रेप्लिका थी। और ये जो बाइक है ना, इसको प्रॉपर आपका भाई मॉडिफाई करेगा, इसमें कोई कसरत नहीं छोड़ेगा, जो इसमें मॉडिफिकेशन होगी वो आपका भाई करेगा इंशाल्लाह, नेक्स्ट व्लॉगों में आपको नज़र आ जाएगा। तो फिलहाल अभी के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। मिलते हैं इंशाल्लाह इसके शशकों के साथ, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा।